जो कहने वाला को आज पूरा बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भी मैसेज मार रहा है और हैशटैग लिखता है। पता नहीं कौन चोर तो लिखता है, ध्यान भुला रहे हैं लगता है, देखें लगातार जो हैशटैग आ रहा है वो लगता है एम्बुलेंस से चोर लिखता है। जब जनता आवाज़ उठाती है तो बड़े बड़े पदों पर रहने वाले को इस्तीफा देना पड़ता है, राज्य नहीं देश स्तर पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो फिलहाल DMCH में भर्ती हैं। कैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उन्हें डाकू तक बता दिया गया है BJP के MP राजीव प्रताप रूडी द्वारा। पप्पू यादव का जो सेवा दल था, जो उन्होंने यहाँ पर रहते हुए बनवाया था, वो सेवा दल अभी भी लोगों की मदद कर रहा है, कुछ तस्वीरें जो निकल के आती हैं। लेकिन क्या लगता है ये सेवा कितने दिनों तक जारी रहेगी? जब तक पप्पू यादव नहीं आएंगे तब तक ये अनिश्चितकालीन सेवा है। आप हर जगह देखिएगा अनिश्चितकालीन लंगर, अनिश्चितकालीन सेवा दल, तो ये अनिश्चितकालीन तक है। जो ऑक्सीजन वितरण करना, चाहे खाना वितरण करना, ज़रूरतमंद तक दवाई देना, ये सब अनिश्चितकालीन सेवाएं हैं। और उनका स्पष्ट कहना है कि जब हम रहें या न रहें, जितने भी मेरे कार्य चल रहे थे मदद वाले, वो सारे कार्य चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन आपके नेता को तो डाकू तक कह दिया गया ना। तो जो कहने वाला को आज पूरा बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भी मैसेज मार रहा है और हैशटैग लिखता है, पता नहीं कौन चोर तो लिखता है, ध्यान भुला रहे हैं लगता है, देखें लगातार जो हैशटैग आ रहा है वो लगता है एम्बुलेंस से चोर लिखता है शायद। आप अभी भी तो कह रहे हैं, जब उन्होंने कई सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि हमने पूरा प्रयास किया, ड्राइवर की कमी थी, तो वो DM को लेटर लिखे थे। जब अब फिटनेस और बीमा का रोना रो रहे थे तो इसके लिए लेटर नहीं DM को लिखा सकते थे क्या? और DM का काम ना है कि MP का काम है बीमा और फिटनेस देखना। DM में सिविल सर्जन देखेगा, DTO साहब देखेंगे, इनका काम थोड़ी था। ये तो स्पष्ट है, अब इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए गलती भुला कर। अभी भी सारे एम्बुलेंस को जनता के हवाले कर देना चाहिए, सिविल सर्जन के हवाले कर देना चाहिए। जनता चाकी कम से कम आने वाला ताउम्र जो हैशटैग हमने बोला है वो थोड़ा थोड़ा हो सकता है कम जाए। क्या हैशटैग बोला है? हैशटैग जो चल रहा है अभी, हैशटैग तो हर जगह वही ना चल रहा है। नहीं, ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने नेता को डाकू कह दिया, इसलिए? नहीं नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। हैशटैग आप मारिए, उसमें एम्बुलेंस लिखिएगा, उसके बाद अपने से आ जाएगा चोर, लिखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएगा। और दूसरी बात कि दूसरों को बोलते हैं ना, इनके पास रहने वाले, एनी टाइम साथ रहने वाले, उनका ऑडियो वायरल है, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं हमारे नेता को, मारने की धमकी दे रहे हैं फ़ोन पर दूसरे आदमी को, हमारे कार्यकर्ता पर फ़ोन करके, वो तो ऑडियो वायरल, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऑडियो भी वायरल किया है, तो उससे बड़ा कोई अपराधी हो सकता है क्या? जनता के साथ एनी टाइम अटैच में लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के हित के लिए 10 तरह के काम कर रहे हैं और गलत सिस्टम पर आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उन पर छोटे मोटे 10-20 केस होते हैं। ये तो जेल चलेगा ना भाई? जेल चलेगा तो कौन सा, हमारे यहाँ से जो DSP साहब जेल ले जा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन में हम जेल लेके जा रहे हैं, सारे मीडिया चैनलों में वो अभियान चला है, वहाँ जाके तो ये तो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र था ही था। वहाँ जाके 32 साल पुराना केस, जिसका कोई भी किसी भी तरह का कोई ताल्लुकात नहीं है, उसमें इनको अंदर किया। कब तक रिहा होंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा करो, कब तक आपको लगता है कि रिहाई होगी? जमानत की बात कब तक हो रही है? रिहा करना ही होगा, जब जनता आवाज़ उठाती है ना, जब जनता आवाज़ उठाती है तो बड़े बड़े पदों पर रहने वाले को इस्तीफा देना पड़ता है, राज्य नहीं देश स्तर पर मैं बता रहा हूँ। तो जनता ने आवाज़ उठाया है और हर गाँव कस्बे से ये आवाज़ निकल कर आ रही है, लगातार इन सभी लोगों के खिलाफ जो विरोध हो रहा है जनता का, ये बता रहा है कि आदरणीय पप्पू यादव जी हम लोगों के बीच बहुत जल्द होंगे और उनके मार्गदर्शन में फिर से निरंतर और ऊंचाई और लंबा सेवा
सेवा भाव वाला कार्यक्रम चलेगा। देखिए सेवा भाव वाला जो कार्यक्रम चल रहा था वो चलता ही रहेगा पप्पू यादव के नेतृत्व में, और जाप के नेता कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द आएंगे, रिहाई बहुत जल्द होगी। जब जनता आक्रोशित होती है तो सत्ता डोलती है, इन बातों का वो जिक्र कर रहे थे। यही नहीं, राजीव प्रताप रूडी को क्या से क्या तक कह दिया वो भी आपने सुन लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।